राज्य मंत्री व भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में दुष्कर्म पीड़ित युवती को जेल भेजे जाने के बाद से देश का राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। जेल भेजी गई युवती के समर्थन में सोमवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पदयात्रा को प्रशासन ने निकालने से रोक दिया। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद समेत अन्य नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, जिससे नाराज कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने विरोध जता रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले गई। चिन्मयानंद यौन शोषण प्रकरण के बहाने कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को छात्रा के समर्थन में पदयात्रा का आयोजन किया गया था, जो कि शाहजहांपुर से चलकर लखनऊ में समाप्त हुई थी। लेकिन उससे पहले ही जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देते हुए पदयात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारी इस बात पर अड़े हैं कि आयोजन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था। दूसरी ओर आज सुबह से पुलिस ने कांग्रेस जितिन प्रसाद समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया। उनके घरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर भी कई थानों की फोर्स लगा दिए गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उधर जितिन प्रसाद ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस द्वारा दुष्कर्म पीड़ित युवती के न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पदयात्रा निकाली जानी थी, लेकिन उसे रोका जा रहा है। क्या वजह है, कौन सी शांति भंग की जा रही है? हमने पहले ही कह दिया है कि यह यात्रा शाहजहांपुर से निकलकर लखनऊ तक जाएगी और रेप पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद की जाएगी, जो कि न्याय की गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा, शासन का यह फैसला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेतृत्व को बर्दाश्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात और लोकतांत्रिक महिला संघ की अध्यक्ष सुभाषिनी अली भी जेल में बंद दुष्कर्म पीड़ित युवती से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने SIT पर सवाल निशान खड़े करते हुए कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि प्रदेश सरकार और यहां के अफसर दुष्कर्म के आरोपी को बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व सपा नेत्री ऋचा सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय महिला नेत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल जेल में बंद दुष्कर्म पीड़िता से मिलने शाहजहांपुर पहुंचा था, लेकिन जेल प्रशासन ने मुलाकात कराने से मना करते हुए प्रतिनिधि मंडल को जेल गेट पर ही रोक दिया था। जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व कर रही ऋचा सिंह स्थानीय सपा नेताओं के साथ जेल गेट पर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गई थी। आप सब लोगों ने देखा कि शासन प्रशासन का क्या रवैया है। हमारा शांतिपूर्ण पदयात्रा कांग्रेस पार्टी की एक न्याय पीड़िता की आवाज उठाने के लिए ये सजा दी जा रही है कि हमें घरों में नजर बंद कर दिया और बाकी नेतृत्व पुलिस लाइन में है। क्या ऐसा अपराध हुआ है? अगर किसी पीड़िता की आवाज उठाई जाए तो ये भाजपा सरकार शासन ऐसी कार्रवाई करेगी। मैं चेतावनी देता हूँ कि चैन से नहीं बैठेंगे कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेतृत्व। अगर ये शासन प्रशासन नहीं सुधरा और हम लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई तो करारा जवाब दिया जाएगा। ये जनहित का मुद्दा है। कैसे ये लोग रोक रहे हैं, किस बात पे रोक रहे हैं? चिन्मयानंद को किस तरह बचा रही है सरकार, ये आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कुछ लोग AC में लेटे हुए हैं और बाकी लोग यहाँ जेल में। सर अगला स्टेप क्या? हम यहाँ यात्रा में जाने के लिए अपनी तैयारी से जा रहे हैं और नजरबंद किया जा रहा है सर। तो ये आप सबने देखा है, अब पूरा देश देख रहा है। सर पदयात्रा होगी क्या सर? ये मान गए आप। भले ही ये थोड़े प्रशासन दबाव बना ले, मगर ये यात्रा आम जन और कांग्रेस कार्यकर्ता की अंतरात्मा की आवाज है और दिलवाएंगे न्याय। जब तक उस पीड़िता को और तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी वारदातें हुई, उन सब का जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के निर्देशों के ऊपर हमने पूरे देश में प्रदेश में आंदोलन छेड़ा है। आंदोलन में मुख्य हम लोग की दो बातें हैं,
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पीड़िता है, हम चाहते हैं उस पीड़िता को रिहाई मिले, उस पीड़िता के को जो जेल में जिस तरीके से प्रताय दी जा रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको रिहा करते हुए उसके साथ इंसाफ हो। हमें पद यात्रा, जो कि आज सुबह हमारी पद यात्रा की अनुमति हमने यहाँ पे अर्ज कराई थी, उसको किसी भी तरीके से उसको खत्म कर दिया। हम चाहते हैं उसकी शांतिपूर्वक, हम लोग गांधीवादी पार्टी हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जन्मशती है और उसमें हमारे साथ क्या किया जा रहा है, एक शांतिपूर्ण हमें पदयात्रा नहीं करने दी जा रही है। हम चाहते हैं प्रशासन के द्वारा हमें जबरदस्ती, हम चाहते हैं प्रशासन के द्वारा हमें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। दूसरी डिमांड है, जो जिस तरीके